بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालदैन और अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात दोम, आपका मज़मून साइंस है। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में अपना मश्क कंप्लीट की थी और मैंने आपको इमला के अल्फाज करवाए थे। आज हमने अल्फाज मानी करने हैं, तो तमाम बच्चे अपनी नोटबुक अपने सामने रखें, पेंसिल से नोट डाउन करते जाएं। मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते जाएं और मेरे साथ साथ उन अल्फाज मानी को दोहराते जाएं। तो अब हम अल्फाज मानी शुरू करते हैं। अल्फाज मानी, पहला लफ्ज क्या है? जिया। जिया, और इसका मानी क्या है? जाया करना। दूसरा अल्फाज देखते हैं, दूसरा लफ्ज देखते हैं, वसाइल। वसाइल, वसाइल का मानी क्या है? वसीला की जमा। नंबर तीन, तजवीज। तजवीज, तजवीज किसे कहते हैं? तजवीज का मानी है तदबीर या राय। नंबर चार, लापरवाही। लापरवाही,
लापरवाही। तो बच्चों लापरवाही का क्या मतलब होता है? गफलत। नंबर 5 वसीला। अब वसीला किसे कहते हैं? वसीला का मतलब होता है सबब। जैसा कि हमने अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए वसाइल पैदा किए हैं, हमें उसे उनकी किस तरह हिफाजत करनी चाहिए। हमें जमीन पर रहने के लिए अल्लाह ताला ने जो सबब पैदा किया है, जैसे हवा है, पानी है, इसी तरह हमारे सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन गैस है वो ज़रूरी है, खुराक है, तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे ज़मीन पर रहने के लिए सबब पैदा किए हैं, वसीला पैदा किए हैं, जिसकी वजह से हम ज़मीन पर रह सकते हैं और हमें इन चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। नंबर 6 पर क्या है? किल्लत। किल्लत किसे कहते हैं? कमी। आगे देखिए नंबर 7 नंबर 7 पर है तरजीह। क्या लफ्ज है तरजीह? इसका मतलब होता है बर्तरी, किसी चीज को इम्पोर्टेंस देना, प्रेफरेंस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसे कहते हैं तरजीह, यानी के बर्तरी। नंबर 8 पर है मिकदार। मिकदार किसे कहते हैं? तादाद को। जैसे हमने पढ़ा कि पानी की कितनी फीसद जो है वो काबिल इस्तेमाल था, यानी जो पानी है वो कितने फीसद काबिल इस्तेमाल है? 1%। तो ये इसकी मिकदार यानी के तादाद बताई गई है। नंबर 9 पर है महदूद। महदूद, जिसे हम इंग्लिश में लिमिटेड भी कहते हैं, इसका मतलब होता है कम करना। क्या मतलब है? कम करना। आगे देखिए नंबर 10 पर बचत। बचत कहते हैं बचा हुआ या कोई भी चीज जो है वो बचा कर रखना, वो क्या कहलाता है? बचा हुआ या बकिया हिस्सा, वो हम उसे कहते हैं बचत। 11 पर है रीसाइकल। रीसाइकल का मतलब है दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाना, जो कि मैंने आपको पढ़ाई के दौरान बताया था कि हम किस तरह पानी को दोबारा काबिले इस्तेमाल बना सकते हैं उसे साफ करकर। 12 पर है नंबर 12 पर हम लिखेंगे फराहम। फराहम का मतलब होता है मुहैया करना। बच्चों ये 12 आपके अल्फाज मानी है, इसके अलावा जो हमने पढ़ाई के दौरान पढ़े हैं वो भी आपने याद रखने हैं। तो सबसे पहले ज़िया, इसका मतलब क्या है? जाया करना। वसाइल, वसीला की जमा। तजवीज, तदबीर या राय। लापरवाही, गफलत। वसीला, सबब। किल्लत, कमी। तरजीह, बर्तरी। मिकदार, तादाद। महदूद, कम करना। बचत, बचा हुआ।
रिसाइकल दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाना फराहम मुहैया करना। तो बच्चों ये 12 आपके अल्फाज मानी हैं। इसके अलावा जो भी आपको बुक में पढ़ाए गए हैं आपने उन्हें भी याद रखना है। बच्चों अब हम लोग सवालात के जवाब करेंगे। आपकी किताब का सफा नंबर 75 जिस पर सवाल नंबर 3 पर हमसे कुछ सवालात पूछे गए हैं हमने उनके जवाब देने हैं। तो तमाम बच्चे अपनी किताब का सफा नंबर 75 खोलें। तो बच्चों आप लोगों ने खोल लिया है। सवाल मैं आपको यहां पर किताब से बताऊंगी और इसका जवाब मैं बोर्ड पर लिखूंगी और साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। तो तमाम बच्चे अपनी नोटबुक पर साथ साथ नोट डाउन करते रहे। तो अब हम सवाल नंबर 3 कर रहे हैं जिसमें मंदरजा जेल का जवाब दें। तो उनके मैं यहां पर जवाब लिखूंगी बोर्ड पर। सवाल आप किताब से देखेंगे, जवाब मैं बोर्ड पर लिखूंगी और आप वो अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लें। तो बच्चों पहला सवाल है, पानी जाया करने के 2 तरीके बयान करें। तो बच्चों पानी जाया करने के 2 तरीके बयान करें। इसका जवाब मैं बोर्ड पर लिख रही हूं। अब हम कर रहे हैं सवालात के जवाब। नंबर 1 का आंसर है, हम हाथ धोते या दांत ब्रश करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं क्योंकि हमसे 2 पूछे गए हैं। तो पहले में आप लिखेंगे, हम हाथ धोते या दांत ब्रश करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। और दूसरा पॉइंट है, हम इसी का आंसर 1 का फर्स्ट पॉइंट है और दूसरा क्या है, हम बर्तन धोते हुए नल खुला छोड़ देते हैं। तो बच्चों पहले सवाल का जवाब ये है, हम हाथ धोते हुए या दांत ब्रश करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट है, हम बर्तन धोते हुए नल खुला छोड़ देते हैं। तो बच्चों आपको समझ आ गया। दूसरा सवाल देखिए, जब हम पानी जाया करते हैं तो क्या होता है।
अब इसका जवाब देखते हैं। पानी जाया करने की वजह से हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा। पानी जाया करने की वजह से हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमसे दो बातें पूछी गई हैं, तो इसका जवाब है और। पानी जाया करने की वजह से बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो बच्चों, दूसरे सवाल का जवाब ये है कि जब हम पानी जाया करते हैं तो इस वजह से हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा और बीमारियां बढ़ जाएंगी। जंगलात क्यों अहम हैं? तीसरा सवाल जो हमसे पूछा गया है वो है जंगलात क्यों अहम हैं? तो बच्चों, पढ़ाई के दौरान मैंने आपको बताया था कि जंगलात जो हैं वो हमारे लिए इसी तरह अहम हैं जैसे पानी अहम है। क्योंकि जंगलात में जो पौधे हैं, दरख्त हैं, वो हमारे लिए खुराक बनाते हैं, हमारी फजा को, आबो हवा को साफ करते हैं, तो इसलिए जंगलात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन यहाँ पर हमसे ये मुख्तसर सवाल पूछा गया है तो हम इसका जवाब भी मुख्तसर देंगे। जंगलात आबो हवा को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। और दूसरी बात क्या है? जंगलात सैलाब से बचाते हैं। तो बच्चों, तीसरे सवाल का जवाब है कि जंगलात आबो हवा को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करते हैं और जंगलात सैलाब से बचाते हैं। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको तीन सवाल करवाए हैं जिनमें पहले का जवाब है कि हम हाथ धोते या दांत ब्रश करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। हम बर्तन धोते हुए नल खुला छोड़ देते हैं। दूसरे सवाल का जवाब है पानी जाया करने की वजह से हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा और बीमारियां बढ़ जाएंगी। तीसरे सवाल का जवाब है जंगलात आबो हवा को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है? जंगलात सैलाब से बचाते हैं। अब हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है जंगलात की कटाई क्या होती है?
तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो जंगल हैं उन्हें क्यों काटा जाता है, जब इंसान अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए, यानी कि तामीरात के लिए, वहां पर कारखाने लगाने के लिए, हॉस्पिटल या स्कूल वगैरह बनाने के लिए, या बहुत सारी और इंडस्ट्रीज के लिए जंगलात को काटते हैं, और काटने के बाद वहां पर ये सब चीजें लगाई जाती हैं, तो ये जंगलात की कटाई कहलाती है। तो इसका जवाब लिखते हैं, इंसान इमारतें तामीर करने के लिए इंसान इमारतें तामीर करने के लिए या शहर तामीर करने के लिए जो दरख्तों को काटते हैं उसे जंगलात की कटाई कहते हैं। इंसान इमारतें तामीर करने के लिए या शहर तामीर करने के लिए जो दरख्तों को काटते हैं उसे जंगलात की कटाई कहते हैं। तो ये आपके सवाल नंबर 4 का जवाब है। हमसे 5वां सवाल पूछा गया है कि हम जंगलात की कटाई को कैसे कम कर सकते हैं। इसका जवाब है, हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए, कागज को जाया करने से बचें और इसे रिसाइकल करें, यानी कि दोबारा इस्तेमाल करें। तो इसका जवाब लिखते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए, और कागज को जाया करने से बचें और चीजों को रिसाइकल करें, यानी के उन्हें दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाएं। तो बच्चों, 5वें सवाल का जवाब है, हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए और कागज को जाया करने से बचें और चीजों को रिसाइकल करें, यानी के उन्हें दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाएं। तो बच्चों, ये हमें 5 हमसे यहाँ पर सवाल जवाब पूछे गए थे, मैंने इनके जवाब बोर्ड पर लिखे हैं, तमाम बच्चे नोट डाउन कर लें। बच्चों, यहाँ पर एक आपकी किताब में सफा नंबर 75 पर अमली काम में दिया गया है कि जमीनी वसाइल की हिफाजत के बारे में एक पोस्टर बनाएं। तो बच्चों, आप
आपने जो अपनी बुक में पढ़ाई के दौरान जो बातें सीखी हैं, आप उनको मद्देनजर रखते हुए पोस्टर बना सकते हैं, यानी कि जमीनी वसाइल की हिफाजत हम किस तरह कर सकते हैं। हमने अपने इस बाब में पढ़ा कि हम किस तरह उसे बचा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने एक सवाल का जवाब भी दिया कि हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए, कागज को जाया नहीं करना चाहिए और चीजों को रिसाइकल करना चाहिए। तो बच्चों, इसी तरह आप इसको एक पोस्टर की शक्ल में भी बना सकते हैं, जिसमें आप पानी और जो है वो पौधे, इनको आप इनके बारे में और इनकी हिफाजत के बारे में जो जो बातें हैं आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। दरख्तों की हिफाजत, जंगलात की हिफाजत और पानी को किस तरह हम जाया होने से बचा सकते हैं, आप इनको मुख्तलिफ तरीके से बयान कर सकते हैं पोस्टर में, जिसमें आप उनके मेथड लिख सकते हैं, तरीके लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं कि पानी को हम किस किस तरह जाया होने से रोक सकते हैं, जैसा कि हमने अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ा था कि पानी का इस्तेमाल कम करें, इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल करें। इसी तरह पानी को जब हम दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाते हैं तो किस तरह बनाया जा सकता है, तो आप इसमें कुछ ड्राइंग्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने पोस्टर को खूबसूरत बनाने के लिए आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, और आप अपनी किताब से भी इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं कि किस तरह हम इन जमीनी वसाइल की हिफाजत कर सकते हैं, जिसमें हवा है, पानी है और जंगलात है। लेकिन आपकी किताब में हवा, पानी और जंगलात के बारे में बताया गया है, तो आप इसी के मुताबिक पोस्टर बना सकते हैं। बच्चों, इसके अलावा जो हमने पढ़ाई में पढ़ा, इसमें आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तफसीली सवाल भी कर सकते हैं, जिसमें सफा नंबर 71 पर पानी का ज़ियार रोकने के तरीके, तो ये आप जो है वो तफसीली सवाल बन सकता है ये कि पानी का ज़ियार रोकने के तरीके बयान करें। तो उसमें बच्चों आप जवाब में लिखेंगे ये तीन तरीके जो पानी के ज़िया को रोकने के तरीके बयान किए गए हैं, जिसमें पानी का इस्तेमाल कम या महदूद करें, इसके पॉइंट्स आप लिखेंगे तीनों, जिसमें है सिर्फ 5 मिनट तक नहाएं, इससे पानी की बहुत ज्यादा बचत होगी, नहाने के लिए पानी बाल्टी में भर लें, दांत साफ करते हुए नलका बंद कर दें। तो पहले पॉइंट की ये कुछ सब हेडिंग्स हैं जो आप बयान करेंगे। उसके बाद दूसरी हेडिंग है इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल करन। हम बहुत से तरीकों से पानी को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हमने सब्जियां धो ली तो उस पानी को जमा करें और उसे पौधों में डाल दें। दूसरी हेडिंग का जो ये सब पॉइंट है वो आप लिखेंगे। थर्ड हेडिंग है पानी को दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाएं। इसका इसमें जो सब पॉइंट है इसका, पानी को साफ और रिसाइकल किया जा सकता है ताकि इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। तो बच्चों, ये आपका तफसीली सवाल में आएगा, जिसका जवाब मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आप तीन पॉइंट्स लिखेंगे, तो ये तफसीली सवाल आपका बन जाएगा। बच्चों, आपकी किताब का बाब दहम जमीनी वसाइल की हिफाजत मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।